नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं कनॉट प्लेस के अंदर। हमारे साथ हैं बीएस भारती जी, जो बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज की आवाज को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर बोलते हैं। भारती साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। जय भीम। सभी जो भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरा जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। भारती साहब, क्या चक्कर है कि काशीराम साहब ने अपनी एक साइकिल पर सारे मूवमेंट को जोड़ दिया और आज बहुजन मूवमेंट इतना मजबूत नहीं है और इसका फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं? जैसा भी आपने कहा कि मान्यवर ने साइकिल पर जोड़ दिया, मैं जो देख रहा हूँ जो असली समस्या वो यही है जी। जब कोई चीज़ हमें हमारी औकात से ज़्यादा मिल जाती है तो हम लोग आलसी हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। और हम लोग जो हमारे महापुरुषों ने एक त्याग करके, जैसे बाबा साहब ने कितना त्याग किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाया। माननीय काशीराम जी ने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन हम लोग जिन लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिल गई इस बाबा साहब के दिए हुए संविधान के तहत, हम लोग केवल आज अपने बीवी और बच्चे तक सीमित रह गए। उसको हमने आगे नहीं बढ़ाया। होना ये चाहिए था कि मुझे कुछ मिला, मैं उसको अपने पूरे समाज, पूरे परिवार को उसका फ़ायदा पहुंचाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मान लो मुझे आज 50,000 रुपये की तो वो मिल रही है तनख्वाह, तो 50,000 मैं केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूं। उसमें से 5-10% मैं उस समाज के लिए नहीं उसको लगाना चाहता, जो कि सबसे पहले ज़रूरी है। एक तो हम लोग जो कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हमें समाज के नाम पर लगाना चाहिए। दूसरा, हम लोग इतने ज़्यादा आलसी, या ये कहिए कि हम लोग बिल्कुल ही निर्लज हो गए हैं इस मामले में, कि हम लोग एसी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब तक हम समाज के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, रोड्स पे नहीं निकलेंगे, हम लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, तब तक कैसे इस मूवमेंट को आगे लेकर के चलेंगे। और उसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग पहले की तरह, जैसे कि मुझे भी पता है 97 के अंदर जब हमारा महासंघ बना था तो हम लोग किसी के पास में भी कोई कन्वेंस नहीं होता था, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल हुआ करता था। आज सबके पास आलीशान गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं है। वही नेता आज भी उस मुहिम पे लगे हुए हैं। किसी भी, मैं देख रहा हूँ, किसी भी जो दूसरे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोई नई पौध, जैसे कहते हैं, वो निकल के नहीं आई है जो इस मुहिम को लेकर चल पड़े। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्या है कि एक एज होती है, एज के बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। आदमी मेहनत नहीं कर पाता, शरीर उसका साथ नहीं देता है। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग नई पौध को आगे लाएं और उसको अपना नेतृत्व संभलवाएं, जिससे कि हम लोग ज़्यादा अच्छे ढंग से कारगर सिद्ध हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।